रवि वर्मा सर, आपके लिए लेके आया हूँ आज की क्लास में प्रॉब्लम ऑन एज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, अधिक से अधिक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान ये चैप्टर है। हम आपको पूरी ट्रिक पे लेके चलेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है टाइप नंबर 3 आ गया है, टाइप नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 जैसे ही हम पढ़ते हैं, कह रहा है पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:6 है, फिर रेशियो दिया है, फिर रेशियो मेथड से लगाएंगे। कैसे? हम लिखेंगे कि पी और क्यू की आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है, 5:6 है। और 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर क्या दिया है कि ये हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया है, आपको देखना है कि वर्ष में अंतर कितने का है, 8 ईयर का है, और रेशियो में अंतर आपको देखना है। तो रेशियो में अंतर कितना आ रहा है, 4 का। रेशियो में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का, और ये दोनों अंतर सेम है, इसीलिए क्वेश्चन आसान हो गया। तो 4 रेशियो की वैल्यू है 8। हम यहां से कह सकते हैं कि 4 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्यू की वर्तमान आयु कितनी है। तो क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 6 है। क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 6 है। तो हमें 6 की वैल्यू बतानी है। तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 6×2=12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा होगा और आप किताब उठा के उसके सवालों को जरूर लगाएं और इन एप्लीकेशनों का आप यूज करें। जब आप इनका यूज करेंगे तो आप उसे आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू भी हम जरा लगाते हैं तो आप इसे अच्छे से समझ जाओगे, और अच्छे से समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। क्वेश्चन में दिया है कि पी और क्यू की आयु का अनुपात है 5:7। फिर कह रहा है 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर ये कितना हो जाएगा, आफ्टर 20 ईयर ये रेशियो कितना हो जा रहा है, 9:11 हो जा रहा है। तो हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया है कि आपको रेशियो के बीच का डिफरेंस देखना है जो वर्ष के डिफरेंस के बराबर होगा। तो आप देखो यहां पर अंतर कितने का, 4 का, और यहां पर अंतर कितने का, 4 का। ये दोनों अंतर बराबर हैं, जो कि बराबर किसके होंगे, 20 के। तो 4 की वैल्यू जो हो गई वो 20 के बराबर होगी। 4 की वैल्यू 20 वर्ष के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर होगी। अब आप देखो आपके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पी की वर्तमान आयु कितनी है। तो पी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 5 है। तो हम इसे 5 जा कर देंगे 25 जा कर देंगे 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5×5=25। और ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ए इसका सही आंसर होगा, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। आप इसे अच्छे से समझ गए हैं, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है। हर टाइप में आपके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क छोड़ा जाएगा और आप उस होमवर्क को 100% ईमानदारी के साथ करेंगे और करके घर पे नहीं बैठेंगे। जब आप उसे कमेंट करोगे तब हमें पता चलेगा कि आपने आंसर किया है, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ेंगे और अगला टाइप हमारे सामने है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, हर टाइप के प्रश्नों को दिखाना हमारा फर्ज है आपको, और आपको उन्हें लगाना आपका फर्ज है। टाइप नंबर 4 में क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 में दिया गया है कि पी और क्यू की आयु का जो रेशियो है, सारे रेशियो बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इन्हें ऑप्शन से भी बना सकते हो, एक्स से भी बना सकते हो, ठीक है? रेशियो क्या दिया है, 5:8 रेशियो दिया है, 5:8। कह रहा है आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर
चार साल बाद ये अनुपात क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आफ्टर फोर ईयर हो चाहे बिफोर फोर ईयर हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। चार साल बाद ये अनुपात हो जाएगा 2:3। 4 साल बाद ये अनुपात हो जाएगा 2:3। तो हमने आपको क्या बताया है, आपको देखना है डिफरेंस रेशियो में। तो हमने देखा यहाँ का अंतर कितना है, 5 है, और यहाँ का अंतर कितना है, 3 है। अब वो बात समझनी है कि यहाँ पर दोनों का अंतर बराबर क्यों नहीं है। तो दोनों का अंतर जब बराबर नहीं होगा तब ये सवाल हमारा नहीं लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस अंतर को बराबर करना पड़ेगा। और इस अंतर को हम बराबर कैसे करेंगे, उस बात को आप ध्यान से सुने। इस अंतर को हम बराबर कैसे करेंगे, जैसे ही अंतर बराबर हो जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। अंतर को बराबर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इसका अंतर ले लेना है, कितना आ जाएगा 1। इनका अंतर कितना आया, 1 आया। आपको यहां का भी अंतर लेना पड़ेगा और इसका अंतर कितना आ जाएगा, 3। मतलब अब आपको ऊपर के ऊपर रेशियो अंतर ले लेना है और नीचे का नीचे से अंतर ले लेना है। हमने अंतर ले लिया, अब आपको क्या करना है, जो ये अंतर आया है इस अंतर को ऊपर के रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, और जो ये अंतर आया है इस अंतर को नीचे के रेशियो में मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इतना करोगे और आप पाओगे कि डिफरेंस बराबर हो गया है। तो चलिए ट्राई करते हैं, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 8 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। लेकिन जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 6, 3 3 9 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पुराने रेशियो को तुरंत हटा देना है। जैसे आप नए कपड़े लाते हो, पुराने कपड़े हटा देते हो, वैसे ही नया रेशियो मिलने पर पुराने रेशियो को हटा देना है। अब आप एक बार जरा नजर डालो कि 8 और 1 9, यहां का अंतर कितना हो गया, 1, और 5 और 1 6 अंतर कितना हो गया, 1। अब आप कहोगे सर मजा आ गया कि अंतर बराबर हो गया, और जैसे अंतर बराबर हो गया क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे, हम कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी है 4 ईयर। 1 की वैल्यू कितनी है 4 ईयर है, और तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि पी की वर्तमान आयु कितनी है, पी की वर्तमान आयु कितनी है और पी का रेशियो कितना है, 5। तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा 20 वर्ष, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी। तो यहां से आपको क्या नया सीखने को मिला है, यहां आपने सीखा है कि हम रेशियो को बराबर कैसे करेंगे, और जब तक हम रेशियो को बराबर नहीं करेंगे, मतलब यहां का डिफरेंस बराबर नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप ट्राई करें एक बार, फिर आप इस वीडियो को देखें तो ज्यादा मजा आएगा। तो हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर टू कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 3:4। फिर दिया है 10 ईयर बिफोर, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले और बाद से कोई अंतर है नहीं, हमने कहा था कि 10 वर्ष पहले की ये बात है, 10 वर्ष पहले, ठीक है। कितना हो जाता है, 4:7 हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर वर्तमान का पूछना है तो यहाँ पे गुणा करोगे, अगर पहले या बाद का पूछना है तो पहले या बाद के रेशियो में आप मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करो, देखो यहाँ 3 है यहाँ 4 है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 7 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। तो आप कहोगे सर फिर ये डिफरेंस बराबर नहीं है, तो आप डिफरेंस बराबर करोगे। कैसे करोगे, अभी हमने समझाया कि आप इसका डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा, 3 आएगा, इसका डिफरेंस निकाल लो कितना आएगा, 1 आएगा। इस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, 4 और 7 ही रहेगा। लेकिन जब इस 3 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9, 3 4 12 हो जाएगा। और हमने कहा था पुराने वाले रेशियो को आप तुरंत हटा दोगे, पुराने वाले रेशियो के आप तुरंत हटा दोगे तभी आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो हटा दिया हमने, अब आप देखो यहाँ पर 7 यहाँ पर 12, अंतर कितने का, 5 का। यहाँ पर 5 यहाँ पर 9, यहाँ कितने का अंतर है, 5 का। अब अंतर हो गया है बराबर, और अगर ये अंतर बराबर हो गया है तो 5 का अंतर जो है वो 10 के बराबर है। 5 रेशियो की वैल्यू 10 है, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 2,
एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ईयर, और हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। और ए की वर्तमान आयु ये नहीं लेनी है जो हमने काट दिया, आपको अब ये वाला लेना है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 2 = 18, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर नन ऑफ डीज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर नन ऑफ डीज। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से भली भांति से समझ गए होंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लिए हैं तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए भी बनता है, एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन नहीं है तो हम आपको मिक्स क्वेश्चन देंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंजलि की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जैसे आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना, तुरंत आप भ्रमित हो जाएंगे। कैसे कि सर अभी तक कहते थे कि रेशियो से बनाएंगे, इसमें तो रेशियो कहीं है ही नहीं। है, आप देखो तो ध्यान से, कह रहा है अंजलि की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो एक तरफ हम लिख देते हैं अंजलि, एक तरफ हो गई अंजलि और एक तरफ हो गया अंजलि का सन। तो हम कैसे बनाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, रेशियो को पहले जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे, अगर अंजलि की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो हम सन को मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर सन 1 हो जाएगा तो अंजलि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ये रेशियो आ गया, क्लियर। फिर दिया है कि आफ्टर 12 ईयर, 12 ईयर के बाद, After 12 year क्या हो गया है, अंजलि अपने पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। अगर अंजलि अपने पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब है सन अब 1 होगा तो अंजलि कितनी होगी, 2 होगी। तो अभी तक हम जैसे क्वेश्चन बनाते थे, रेशियो गिवन होता था, रेशियो आ गया। अब हम क्या करते थे, सबसे पहले हम ये देखते थे कि यहाँ का रेशियो का डिफरेंस इक्वल है कि नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस को इक्वल करेंगे। अगर हम डिफरेंस को इक्वल करते हैं तो हमने देखा यहाँ का अंतर 1 आया है और यहाँ का अंतर 2 आया है। इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। पुराने रेशियो को हटा देंगे, हमने आपको ऐसा बताया था। लेकिन अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखो डिफरेंस कितने का आया है, 1 का डिफरेंस आया है, 1 का। तो ये 1 का डिफरेंस बता रहा है, ये 1 का डिफरेंस बता रहा है कि 1 की वैल्यू जो है वो 12 साल के बराबर है। रेशियो में डिफरेंस 1 का है, ईयर में 12 का है, तो 1 की वैल्यू जो है वो 12 साल के बराबर है, 1 की वैल्यू जो है वो 12 ईयर के बराबर है। और हमें बताना क्या है, अंजलि की आयु क्या है, है मतलब प्रेजेंट की, और प्रेजेंट का रेशियो उसका था 3, तो 3 की वैल्यू बतानी है, 3 × 12 कितना हो जाएगा, 36, और 36 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं तो ये अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे सॉल्व करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को फिर एक बार देखें, वीडियो को बार बार देखें, तब जाके आप समझ पाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 सेम वैसा फिर है, ये 3 क्वेश्चन थे हमारे टाइप नंबर 5 से। तो टाइप नंबर 5 का 1 क्वेश्चन हमने करवा दिया है, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग लगा लीजिएगा टाइप नंबर 6। और अब हम समझेंगे कि टाइप नंबर 6 के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, हमें ये समझना है। तो हेडिंग लगाएंगे टाइप नंबर 6, और टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं बहुत प्यार से। क्या दिया हुआ है कि 10 साल पहले श्याम की आयु राम की आयु की 3 गुना थी, ठीक है। लेकिन 10 साल बाद 10 ईयर आफ्टर जो राम की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में 10 ईयर बिफोर भी दिया है, आफ्टर भी दिया है। तो ये जो बिफोर और आफ्टर होता है ना फ्रेंड्स, ये हमेशा कहाँ से होता है, ये हमेशा प्रेजेंट से होता है। तो एक बार इन्होंने 10 ईयर बिफोर बताया है तो 10 ईयर बिफोर हम ऐसे लेना पड़ेगा हमें, और 10 ईयर आफ्टर बताया है 10 ईयर आफ्टर ऐसे लेना पड़ेगा, अगर यहाँ प्रेजेंट है तो, ठीक है। 10 ईयर बिफोर 10 ईयर आफ्टर, तो जो ईयर का डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 20 ईयर। ईयर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ईयर का डिफरेंस हो जाएगा 20 ईयर। अब रेशियो देखते हैं, कह रहा है राम की आयु जो है, राम की आयु की 3 गुना थी, किसकी, श्याम की। तो हम इधर लिख देते हैं श्याम, इधर लिख देते हैं श्याम, और इधर लिख देते हैं राम।
क्वेश्चन में बोला है कि श्याम की आयु राम की आयु की 3 गुना थी, तो राम को हम मानते हैं 1, तो श्याम हो जाएंगे कितने, 3। फिर कह रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद डबल हो जाएगी राम की आयु की, 2 गुना हो जाएगी, तो 10 साल बाद का रेशियो हम यहाँ लिखेंगे। भाई जहां का गिवेन है वही तो लिखेंगे, 10 साल पहले का दिया था तो हमने ऊपर लिखा, 10 साल बाद का दिया था तो हमने नीचे लिख लिया। यहां तक बात क्लियर हो गई है, ठीक। अब देखेंगे ध्यान से, अब आप देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस को इक्वल करते हैं, डिफरेंस को देखते हैं, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, मतलब हमें इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करना हमने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, इसका डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका डिफरेंस कितना आएगा, आप यहाँ देखो इसका डिफरेंस 2 आएगा, इस 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना है हमको नीचे के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, पुराने वाले रेशियो को आप तुरंत हटा दें। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर श्याम 3 था, यहाँ श्याम हो गया है 4, 1 का डिफरेंस आया है, यहाँ पर राम 1 था, यहाँ पर राम हो गया है 2, 1 का डिफरेंस आया है। अब डिफरेंस 1 1 का हो गया है, और ईयर में डिफरेंस कितने का है, 20 का है, तो वी कैन से दैट 1 रेशियो की वैल्यू 20 ईयर, 1 रेशियो की वैल्यू क्या है, 20 ईयर है, ये बात आपको समझना है, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 20 है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि श्याम की प्रेजेंट एज बता दो, तो हमने देखा कि प्रेजेंट एज का रेशियो तो हमारे पास है नहीं, अगर प्रेजेंट एज का रेशियो होता तो क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से बना ले जाते, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, श्याम की उम्र या तो हम 10 साल पहले की पता कर लें, या तो 10 साल बाद की पता कर लें। हम 10 साल पहले की अगर पता करते हैं तो हम यहाँ 20 से गुणा कर देते हैं, यहाँ की उम्र हो जाएगी 60। तो अगर श्याम 10 साल पहले 60 ईयर का था, अगर श्याम 10 साल पहले 10 ईयर बिफोर 60 ईयर का था, तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70। इसका मतलब श्याम प्रेजेंट में कितने ईयर का है, 70 ईयर का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 70। तब तक एक लोगों की आवाज आएगी, सर नीचे से लगा के दिखाओ, तो हम यहां से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो हमें पता चला कि श्याम जो है वो आफ्टर टेन ईयर कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा, तो 10 ईयर बिफोर कितने का रहा होगा, फिर हम इसमें से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टाइप नंबर 6 का। उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जैसा कि आपको पता है एक हमारा क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अगला जो वो आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बना लीजिएगा। आइए अब चलते हैं अगले। आइए